महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिलाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री कमलेश सिंह के साथ साथ अन्य पदाधिकारी गणों ने द्वारा भी बाबा साहेब के मूर्ति पर माल्यार्पण अर्पित किए गए। आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के सूबेदार रामजी सकपाल एवं मीराबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, स्वभाव का मणिकांचन मेल था। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अर्थशास्त्री के रूप में भी याद किए जाते हैं। ये सभी बातें जदयू के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इशाक आजाद ने स्थानीय कर्पूरी सभागार में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वे एक मनीषी योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी तथा धैर्यवान व्यक्ति के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। स्थानीय नेता ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हीं के कारण हम स्वतंत्र भारत में अपनी बात हर मंच पर रख पा रहे हैं। हमारे संविधान में सभी के हित सुरक्षित हैं। आज हम लोग जदयू कार्यालय के सरिया में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस पुण्यतिथि को हम लोग हर्षोल्लास के साथ, हमारे जदयू के पूरे परिवार के साथी, सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष, सभी प्रखंड के प्रखंड कार्य समिति के लोग, हम लोग एकजुट होकर और दलित महादलित से हर पंचायत से हमारे साथी लोग पहुँचे थे, उन लोगों सम्मान के साथ हम लोगों ने आज पुण्यतिथि के अवसर पर उनको सम्मानित करने का काम किया। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के बारे में प्रकाश डाला। आज हम इस देश के अंदर अपने आप को गौरवान्वित साबित कर रहा हूँ, इसलिए कि इस देश की आज़ादी के बाद हम लोग के इस देश के संविधान को लिखने वाले, इस संविधान सभा के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं पाए। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे देश के कुछ हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने बैठकर इस पर जो है कि अपना विचार किया और इस संविधान सभा को लिखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मनोनीत किया गया। और इस संविधान लिखने में, बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और इस संविधान सभा के अध्यक्ष रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है थे, और हमारे देश में इसी संविधान के तहत कानून व्यवस्था जो है लागू हुआ। और हमारे देश के जो है इस संविधान में, हमारा देश का बहुत बड़ा जो है पूंजी जो है हमारा संविधान है, जिस संविधान के तहत हमारा देश चलता है। और हम इसी संविधान के नियम और नीतियों के पालन करते हुए आज हम सभी साथी एकजुट होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि मनाने का काम किया। अंबेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। वही बाबा साहेब की 65वीं पुण्यतिथि पर जदयू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भावपूर्वक याद किया और उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा नेता विजय जायसवाल, जदयू नेता श्रीकांत सिंह, संजय किशोर तिवारी, अजीत कुमार सहनी, दिलीप कुशवाहा, भरत रजक सहित कई नेताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर केसरिया के प्रखंड प्रभारी रामजनम शाह, कल्याणपुर प्रखंड अध्यक्ष मुक्ति नारायण सिंह, राजन कुमार भारती, हैदर अली, टुमन पटेल, प्रवीण श्रीवास्तव, बेबी देवी, सत्यनारायण पासवान, सुदामा पटेल, ऋषु राज सिंह, अरुण कुमार सहनी, परमानंद सहनी, उमेश चंद्रवंशी, राजबली ठाकुर,
सोनू सिंह, राजेश सहनी, सूरज कुमार सहनी सहित सैकड़ों जदयू कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे थे INS24 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके आसपास की खबरें आपको मिलती रहे। धन्यवाद।